एक गांव में सल्ला नाम की एक औरत होती है जिसकी माहिरा और प्रीता नाम की दो बेटियां होती हैं। पर सल्ला बहुत ही गरीब होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन सल्ला की सहेली राखी उसे मिलने के लिए आती है, जो बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात की होती है, जिसे देखकर सल्ला बहुत खुश होती है। तभी राखी सल्ला से कहती है, अरे सल्ला, तू अपनी बेटियों को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखी, उन्हें जरा नीचे उतार, एक अच्छा सा लड़का देखकर उनकी शादी कर दे, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा खराब है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक ना हो। जिसे सुनकर सल्ला कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटियां तो मेरा स्वाभिमान है, और देखना वो एक दिन ऐसा काम करेंगी जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान हो जाएगी। तभी सल्ला कहती है, अच्छा ऐसा क्या करेंगी तेरी बेटियां। तभी वहां प्रीता और माहिरा आती हैं और राखी से कहती है, आंटी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आजकल जमाना बदल गया है, अब कोई भी बेटा बेटी में फर्क नहीं करता है। जिसे सुनकर राखी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो फौरन वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और एक दिन जब प्रीता माहिरा कॉलेज से वापस घर आ रही होती हैं, तभी वो रास्ते में देखती हैं कि दो आदमी कुश्ती लड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर प्रीता बहुत खुश होती है और अपनी बहन माहिरा से कहती है, माहिरा तुझे पता है कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं कुश्ती लड़ूं। जिसे करण नाम का आदमी उसे सुन लेता है और फिर थोड़ी देर बाद उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें भी कुश्ती लड़ना है क्या। जिसे सुनकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद करण उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कुश्ती लड़ना सिखाता है। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन करण प्रीता से कहता है, अरे छोरी तनो बेरा है कि थारा सिलेक्शन कुश्ती मैच में ओलंपिक के लिए हो गया है, क्या तू चलेगी। जिसे सुनकर प्रीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और घर जाकर अपनी माँ सरला से कहती है, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या मैं ओलंपिक खेल के लिए जापान जाऊँ। जिसे सुनकर सरला बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, हाँ हाँ बेटी क्यों नहीं, जरूर जाओ। जिसके बाद अगले ही दिन प्रीता अपने कोच करण के साथ जापान ओलंपिक मैच के लिए चली जाती है। तब करण प्रीता से कहता है, जाओ प्रीता ऑल द बेस्ट, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपना बेस्ट देना, क्योंकि पूरा देश और तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख रहे होंगे इस वक्त। जिसके बाद प्रीता की परफॉर्मेंस देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर कुश्ती मैच में प्रीता गोल्ड मेडल जीतती है, जिसकी खबर हर जगह टीवी न्यूज और अखबार में आती है कि देखो हमारे देश की बेटी जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया और ओलंपिक मैच में गोल्ड मेडल जीता है, जिस पर हम सभी को गर्व है। जिसे सुनकर राखी सरला के घर जाती है और फिर सरला से कहती है, सरला मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारी बेटियों को इतना बुरा भला कहा। जिसके बाद सरला उसे माफ कर देती है और अपनी बेटी प्रीता की कुश्ती मैच जीतने की खुशी में सभी को मिठाइयाँ खिलाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।